सो हे गाइस, अक्षत इज बैक अगेन। और आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊं कैसे फिक्स करते हैं अपने बाइसिकल के गियर्स को, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ना ये वाली मिस्टेक करते हैं। नए नए जब बिगनर्स होते हैं या फिर उन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है, तो अपनी बाइसिकल के गियर्स को कुछ रफली यूज कर देते हैं, जिसके कारण शिफ्टिंग प्रॉब्लम होने लगती है एंड गियर अजीब टाइप का साउंड क्रिएट करने लगता है। तो आज की वीडियो में वही आपको बताने वाले कैसे अपने बाइसिकल के गियर्स को रिपेयर करें। इसकी पुरानी वाली वीडियो है, उस पुरानी वाली वीडियो में कुछ डाउट्स जो मैंने कंप्लीट नहीं किए थे, तो उस सबको मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर कर लूं। तो वीडियो को हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। एंड भाई लाइक एम इस बार मैं रख रहा हूँ सिर्फ 500 लाइक्स का। मेरे को पता है ऑडियंस कर देगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरे को एक दिन में एक घंटे में लाइक चाहिए। आप पूरी वीडियो कितने भी साल हो जाए भाई, 500 लाइक्स मेरे को एक चाहिए, जिससे मैं मोटिवेट रहूं। तो वीडियो को हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो गाइस एज यू कैन सी, यहाँ पे मेरा पूरा गियर सेट है। इसमें भाई अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिक्कत क्रिएट करेंगे। जैसे कि अभी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, अभी हमारा पीछे में सेकंड गियर पे एंड अभी फ्रंट में भी हमारा सेकंड पे ही है। यानी कि इससे क्या प्रूव होता है, इससे हम लोग का चेन बिल्कुल सही है। एंड अब हम लोग करेंगे क्रिएट अपने प्रॉब्लम को। चलिए ना आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। तो क्रिएटिंग के लिए आपको बहुत सारा सिंपल है, ये जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज। सो गाइस, फॉर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम हम लोग को करना क्या है, वो है कि भाई ये जो नट है ना, इसे हम लोग लूज करेंगे। क्योंकि होता क्या, जब न्यू बाइसिकल रहती है ये, तो ये जो नट होता है ना वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। एंड उसके बाद हम लोग जैसे ही शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब प्ले आ जाता है वायर में, वैसा प्ले नहीं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लूज होके थोड़ा पीछे की ओर बैकवर्ड चला जाता है, जिसके कारण जो गियर प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये मतलब एक फर्स्ट है जो गियर प्रॉब्लम होता है, तो इसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मैं अभी आपको इसे करके दिखाता हूँ। ये 10 नंबर की एलन की, इसकी कोई काम ही नहीं है, पोपट हो गया। तो भाई वो उस एलन की से तो काम, मतलब उस स्क्रू वो उस रेंच से काम तो नहीं बना। अब हम लोग अपनी प्लायर्स को यूज़ करेंगे। एंड भाई मैं आपको रेकमेंड करूँ, आप ज़रा क्रिएट मत करना, खैर मैं कर देता हूँ, क्योंकि आई नो भाई हाउ टू रिपेयर दिस। फिर इसे क्रिएट करने के लिए हम लोग को सिंपली से लूज कर देना है, मैं कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है ये वाला प्रॉब्लम। अब देखो मैं एकदम लूज नहीं करूँ, ये थोड़ा सा मैंने टाइट किया है। अब मैं आपको अभी गियर शिफ्ट करके दिखाता हूँ, फिर क्या होगा देखना आप। तो गाइस चलिए मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी मैं गियर को शिफ्ट करूंगा एंड आप देखना बस, ये मैंने किया 7 तक चली गई गियर। और अब मैं वापस से पुल करूंगा जैसे ही, इसमें देखना अभी आप प्ले आ जाएगा। एंड जैसे ही आप कुछ बार ऐसे कर दोगे, एक दो बार आपका सही चलेगा, एंड उसके बाद जो आता है ना भाई, इसमें देखो ये वाला प्ले आ जाएगा। अभी इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपका प्ले आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना कि वो गियर आपका सेकंड पे है एंड यहाँ पे कोई जो चेन है वो फोर्थ पे रहेगा, ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो उसे फिक्स करने के लिए मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या बताता हूँ, मैं आपको बस बता देता हूँ इसे करते सही है कैसे। तो यहाँ पे अभी आपका हो गया प्रॉब्लम, टोटल अभी आपको प्रॉब्लम हो गया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अभी गियर नंबर 5 पे है, ओके। एंड अब हम लोग पेडलिंग करते हैं, एक सेकंड। एंड यस, अब जो है वो प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी मैंने आपको बताया था जैसा। अब देखो कोई भी भाई इसमें सीन कट नहीं है, आप देख लो बस, यहाँ पे सेकंड है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का गियर नंबर 1। इसको आप दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हो,
एक होता है भाई, एक होता है शिफ्टिंग टू द लोवेस्ट गियर एंड देन इसको पुल करके टाइट कर देते हैं, लेकिन वो मतलब मेन है, उसको आप करना है तो करना है। एंड अगर आप टेम्परली आपके पास कोई रेंच नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो बैरल रजिस्टर है ना उसे पीछे का ऐसे पुल कर दोगे, मतलब एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर दोगे, तो इसमें एक टेंशन आ जाएगा वायर में जिसके कारण आपका वापस शिफ्ट होने लगेगा। इसे भी करने के लिए हम लोग को करना क्या है, इसको गियर नंबर 7 पे कर देना है एंड उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग को लूज मतलब एंटी क्लॉक वाइज घुमा देना है लूज टाइप में, तो उस तरीके से आपका केबल में स्ट्रेस आ जाएगा एंड उसके बाद आप वापस शिफ्टिंग करोगे आपका सही हो जाएगा। तो अभी जो दिक्कत आ गया वो हो गया है, अब हम लोग को करना क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अब हम लोग को अपने गियर को गियर नंबर 7 पे करना है, तो जल्दी से मैं कर देता हूँ। द लोवेस्ट गियर जो आपके बाइसिकल में उसे हम लोग को कर देना है एंड अब मैंने 7 पे अपने बाइसिकल के गियर को कर दिया है। और अब जो हमने मतलब मैंने तो खुद किया था लेकिन आप लोग में पहले से होगा, इस जो ये जो नट है ना उसे हम लोग को लूज करना है कुछ इस टाइप से, लूज मैंने कर दिया एंड अब आप एक प्लायर्स का यूज ले, प्लायर्स का यूज करके इसे वापस पुल कर सकते हो, बट अभी मेरे पास तो है नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली ज़्यादा लूज करूँगा थोड़ा, और तो मैंने लूज किया, उसके बाद इसे मैं कुछ इस टाइप से पुल करूँगा। देखो आप इसे इसे आप मूव कर सकते हो, ज़्यादा नहीं लेकिन करना है, ये आप कर चुके हो एंड इसके बाद इसे टाइट कर देना है, तो टाइट कर देता हूँ मैं जल्दी से। एंड यहाँ पे मैंने इसे वापस टाइट कर दिया है ना, अब हम लोग वापस चेक करते हैं हम लोग का गियर नंबर 1 पे जा रहा है या नहीं, तो मेरे हिसाब से भाई चला जाना चाहिए, तो अभी चेक करते हैं। एंड बूम गाइस, हम लोग का हो गया है सही, आप देख सकते हो यहाँ पे गियर नंबर 1 पे है एंड यहाँ पे जो भाई ये भी गियर नंबर 1 पे हम लोग का शिफ्टर भी है, यानी कि भाई ये एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब आपका एक और मैं कंडीशन क्रिएट करता हूँ, देखो भाई वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन रही है इसी कारण, ताकि आपको सारा डाउट्स में क्लियर कर दूँ। ये मतलब यही दो ट्रिक होता है जिससे आपका गियर परफेक्ट होता है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, ये दो जो स्क्रूज आपको दिख रहे हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो आपको ये दो स्क्रूज दिख रहे हैं ना ये दोनों होते हैं लिमिट स्क्रूज, एक के ऊपर H लिखा रहता है एक के ऊपर L लिखा रहता है, जो L है ना वो 7th वाले गियर के लिए, अगर आप इस नट को जितना ज़्यादा टाइट करोगे ना तो ऐसे कि आप ज़्यादा ही टाइट कर दोगे, तो 7 से वो जो मतलब आप शिफ्टर 7 पे रखो गाइज अभी आपने आवाज़ सुना वो ट्रांसफॉर्मर किसी का शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो चलिए हम लोग वीडियो में डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो बोल्ट्स हैं एक H होता है एक L होता है, तो जैसे मैं आपको बताया था अगर आप H को ज़्यादा ही टाइट कर दोगे तो जो आपका 7th पे है वो 7th पे नहीं जाएगा, फिर आप उस अपने शिफ्टर को 7th ही पे रखो लेकिन आपका 6th पे जाएगा, ऐसा उसका प्रॉब्लम होता है H वाले का। अगर आपका 5 पे अटका हुआ है तब आप H वाले स्क्रू को लूज कर सकते हो जिसके कारण आपका सही हो जाएगा। एंड L वाला स्क्रू का काम क्या होता है, जितना ज़्यादा आप इसको टाइट करोगे उतना लोवेस्ट मतलब कि हाँ लोवेस्ट गियर पे हाईएस्ट गियर पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 पे है आप ज़्यादा टाइट कर दोगे तो 2nd पे मैक्सिमम जाएगा, चाहे आपका शिफ्टर 2nd पे हो या ना हो, 1st ही पे हो तब भी आपका 2nd पे रहेगा। तो अभी मैं आपको वो वाला प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाता हूँ जल्दी से। सो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने जो हाई स्क्रू है ना एच वाला उसे हम लोग ये टाइट कर देंगे, उसके बाद क्या होगा भाई 7th पे करने पे हम लोग का 7th पे नहीं जाएगा, तो ये मैं टाइट कर देता हूँ। एच वाला स्क्रू हमारा यही है टूटने वाले गियर्स में, खैर आप यहाँ पे नीचे लिखा रहता है वहाँ से भी आप देख सकते हो, तो इसे मैंने टाइट कर दिया कुछ अच्छे से टाइट कर दिया है एंड अब हम लोग गियर को शिफ्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग शुरू करते हैं अपने गियर्स की और लोग करेंगे अपने शिफ्टर को गियर नंबर 7 पे एंड जैसे कि मैंने बोला था, अब आप देखो ये किस पे अभी आपको दिख रहा होगा 6th नंबर पे हमारा एंड शिफ्टर में क्या है, शिफ्टर में अभी है हम लोग का 7th गियर वीडियो में भी कट आएगा भाई एरोप्लेन जा रहा है, तो
वापस आते हैं, नॉइज आ रहा होगा इसलिए मैंने जानबूझ के दिखा दिया, नहीं तो आप लोग बोले कट करके आपने कुछ इधर उधर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7th पे है एंड यहाँ पे हम लोग का 6th पे है। एंड अब हम लोग अगर वापस इसे लूज कर देते हैं तो वापस हम लोग का 6th हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैं कर देता हूँ जल्दी से, यहाँ मैंने गैस को लूज कर दिया है एंड भाई अब आपको शिफ्टर की जरूरत भी नहीं है, अब आपको ऑटोमेटिक 7th पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड बूम गाइस, जैसा कि मैंने बोला वापस हम लोग का 7th पे शिफ्ट हो चुका है एंड शिफ्टर इज ऑल्सो 7th नंबर पे अभी हम लोग का शिफ्टर। तो देख सकते हो भाई मैंने दो तरीके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, दोनों आप ट्रिक एक बार यूज़ करना। अगर आपका पुराने वाले ट्रिक से नहीं होता है तब आप ये वाला ट्रिक यूज़ करना जो मैं अभी आपको बताया। एंड भाई काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनी होगी, अगर आप यहाँ तक तो हो भाई तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप देख सकते हो भाई ये हमारी फैट बाइक है और टूल्स मैंने यूज़ किए वो यहाँ पे हैं। 5mm वाली एलन की भाई किसी किसी में यहाँ पे 5mm वाली यूज़ होती है तो मैंने 5mm वाली ले ली थी। गाइज कैसा लगा आपको वीडियो भाई कमेंट्स के अंदर याद से बता देना, और अगर आपको ऐसी और कंटेंट चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तक तक के लिए बाय, और अगर और कुछ भी भाई दिक्कत हो तो भाई कमेंट याद से कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.